हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक होगा वो है लिबरल थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें स्पेशली हम डिस्कस करेंगे माइकल डोयल्स डेमोक्रेटिक पीस थियरी। अब जो लिबरल थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये बेसिकली बेस है लिबरलिज्म पे। जो जनरल लिबरलिज्म एक थियरी है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो वैल्यूज हैं, उसके जो आइडियाज हैं, उन आइडियाज पे मबनी ये लिबरलिस्टिक थ्योरी है। अब अगर हम फंडामेंटल प्रीमाइसेस देखेंगे इस लिबरल थ्योरी के, वो है पहला कि पॉजिटिविस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, दैट मैन रैशनल है, मैन सोशल है, मैन लव्स टू लिव विद द अदर पीपल, मैन में ये रैशनैलिटी है कि उसको पता है उसके इंटरेस्ट में क्या है, उसके इंटरेस्ट में क्या नहीं है। तो इस बुनियाद पे ये इंटरनेशनल रिलेशंस को डिफाइन करते हैं, जो लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है। दूसरा जो इनका बेसिक प्रिमाइस है वो ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैन बी कॉपरेटिव, यानी पॉसिबिलिटी है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज है वो कॉपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो रियलिस्ट्स कहते हैं कि वार इज द परमानेंट कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इज दे से नो, वार कैन बी अवॉइडेड, वार इज नॉट द परमानेंट कंडीशन। क्योंकि इंसान रैशनल है, क्योंकि इंसान सोशल है, इसको पता है कि वार जो वार है वो इसके हक में नहीं है, वो इसके इंटरेस्ट में नहीं है, और क्योंकि इंसान सोशल है, दूसरे के साथ कॉपरेट कर सकता है। देयरफॉर इवन इन इंटरनेशनल रिलेशंस वार कैन बी अवॉइडेड एंड पीस कैन बी मेंटेन्ड। एंड द थर्ड वन इज बिलीफ इन प्रोग्रेस। दे बिलीव दैट अगर इंटरनेशनल लेवल पे हम कॉपरेट करेंगे, वी कैन हैव द विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। एक ऐसा सिस्टम क्रिएट होगा वर्ल्ड में, एक ऐसा कॉपरेटिव मैकेनिज्म या इकोसिस्टम डेवलप होगा, साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से हम दुनिया में अमन कायम कर सकते हैं, द वर्ल्ड में प्रोग्रेस ला सकते हैं। देयरफॉर वो नेगेटिव व्यू नहीं था कि जो इंटरनेशनल कंडीशन है वो चेंज नहीं हो सकती है, बल्कि ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे जो लिबरल थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है। देयरफॉर जो लिबरल थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, ये फंडामेंटली इस चीज में बिलीव करती है, क्योंकि इंसान रैशनल है, वो एंगेज करेगा कॉपरेशन में, वो एंगेज करेगा कोलैबोरेशन में, यानी मैन हैज द कैपेबिलिटी और मैन हैज द नेचर टू कॉपरेट एंड कोलैबोरेट, बट इफ द कंडीशंस ऑफ विन फॉर ऑल इज क्रिएटेड, कि ऐसी सिचुएशन, ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जाए जिसमें सबके लिए फायदा हो, तो उस सूरत में इंसान आपस में कॉपरेट कर सकता है, उस सूरत में वार को अवॉइड कर सकता है। तो यही लिबरल्स कहते हैं कि हम वार को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उसके लिए फिजिबल कंडीशंस क्रिएट करें, so that war could be avoided, so that countries do not engage in violence. If we create such conditions which are feasible, or that create win-win situation for all, और ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए, ऐसी रिलेशन डेवलप की जाए जिसमें हर मुल्क के लिए फायदा हो, तो उस सूरत में वार को अवॉइड किया जा सकता है। नाउ लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस का अगर हम ओरिजिन देखते हैं, तो इसका ओरिजिन हम देखते हैं जब इंटरनेशनल रिलेशंस एक सेपरेट सब्जेक्ट बन गया 1919 में, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, उसमें जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हो गई, उससे जो ये लिबरल्स थे जिनमें लीड कर रहा था वुड्रो विल्सन, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए देन, तो वुड्रो विल्सन ने कहा कि दुनिया में जो जंग होती है, या वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो बेसिक रीजन था वो ये था कि वहां दुनिया में कुछ ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स है जो कि किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जिन पे अपनी पब्लिक का भी कंट्रोल नहीं है, और सेक्रेट ट्रीटीज जो एक दो कंट्रीज या डिफरेंट कंट्रीज आपस में करती है, जो ये अलाइसेस होते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इस सिस्टम को कंट्रोल कर सके, ये रीजन बन गए कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया।
और अगर हमने इस तरह का वार को रोकना है, यानी वर्ल्ड लेवल पे अगर हमने किसी बड़े जंग को रोकना है, उसके लिए जरूरी है कि हम दुनिया में डेमोक्रेसी लाए, हम ओपन ट्रीटीज साइन करें, सेक्रेट ट्रीटीज ना साइन करें, और एस्टैब्लिश करें इंटरनेशनल लॉ, एस्टैब्लिश करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि वो मैनेज कर सके वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो, देयर मस्ट बी द लॉ दैट एवरी कंट्री शुड फॉलो। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो, देयर मस्ट बी सर्टन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट कुड मीडिएट बिटवीन द कंट्रीज। लिबरल थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को इंटरनेशनल स्कॉलर्स ने चार टाइप्स में डिवाइड किया है: सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म, रिपब्लिकन लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक और इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म। लेकिन जो इस लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा, वो रहेगा रिपब्लिकन लिबरलिज्म का। जो रिपब्लिकन लिबरलिज्म है, इसका जो बेसिक आर्गुमेंट वो ये है कि जो डेमोक्रेसीज होती है वो पीसफुल होती है, वो लॉ अबाइडिंग होती है, वो वायलेंट नहीं होती है देन अदर पॉलिटिकल सिस्टम्स। और इनका एक और आर्गुमेंट ये है कि जो डेमोक्रेसीज है ये आपस में फाइट नहीं करती है। बेसिकली इस आर्गुमेंट को एक जर्मन फिलोसफर ने 18th सेंचुरी में पेश किया, जिसका नाम इम्यूनल कैंट था। इम्यूनल कैंट का ये मानना था कि यूजुअली जो इंसान है वो वायलेंस को पसंद नहीं करता है, और अगर वायलेंस कर भी है वो सेल्फ डिफेंस में। और इसका ये मानना था कि अगर पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो वहां पे कोई एग्रेसर ही नहीं होगा, और जब एग्रेसर ही नहीं होगा तो जंग भी नहीं होगी। यानी दुनिया में अगर हमने अमन कायम करना है, उसके लिए हमें क्या करना है कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को लानी है, क्योंकि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जहां पे लोगों की गवर्नमेंट होती है, और जब लोग वायलेंस नहीं होगी, जो उनकी गवर्नमेंट है वो भी वायलेंट नहीं होगी। और इसी आर्गुमेंट को बाद में सिस्टमेटिक के लिए डेवलप करता है माइकल डोयल अपनी वर्क जो है, इसकी फेमस वर्क लिबरलिज्म एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, जहां पे ये अपने आर्गुमेंट्स देता है क्यों डेमोक्रेसीज आपस में फाइट नहीं करती है, क्यों डेमोक्रेसीज पीसफुल है। और माइकल डोयल जो है वो तीन आर्गुमेंट्स देते हैं कि तीन चीजें रेस्पॉन्सिबल है कि डेमोक्रेसीज पीसफुल, या जो डेमोक्रेसीज है वो कंट्रीज को पीसफुल बनाती है, तीन कॉजेज रेस्पॉन्सिबल है कि डेमोक्रेसीज आपस में फाइट नहीं करती है। तो जो पहला आर्गुमेंट है वो ये है कि चूंकि डेमोक्रेसीज का जो डोमेस्टिक कल्चर है वो पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे मबनी है, वो पीसफुल के वी नीड टू पीसफुली रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स, जो आपस में डिस्प्यूट है, जो भी कोई डिसएग्रीमेंट है उसको पीसफुली रिजॉल्व करे, ये एक डोमेस्टिक कल्चर है। तो उनका जब डोमेस्टिक कल्चर ऐसा है, वही कल्चर वो मैनिफेस्ट करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि उनको कंट्रोल करती है पब्लिक, और दे जो पब्लिक है वो सपोर्ट या एडवोकेट वार्स को नहीं करती है। देयरफॉर डेमोक्रेसीज जो है दे नेचुरली आर पीसफुल एज अगेंस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। जो दूसरा आर्गुमेंट है माइकल डोयल प्रेजेंट करता है वो ये है कि जो डेमोक्रेसीज है इनके कॉमन मॉरल वैल्यूज है, यानी जो बेसिक वैल्यूज, जो बेसिक फाउंडेशंस है डेमोक्रेसी में, वो लाइक फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वेलिटी, जस्टिस, जो ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज को जब हम अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो ऑब्वियसली वो कॉमन वैल्यूज है। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज फाइट होगी, फॉर एग्जाम्पल ज्यूरिंग द कोल्ड वॉर देयर वॉज द फाइट बिटवीन द वैल्यूज ऑफ सोशलिज्म एंड लिबरलिज्म, लेकिन चूंकि यहाँ पे कॉमन वैल्यूज है देयरफॉर देयर इज नो थ्रेट ऑफ वायलेंस। जो तीसरा आर्गुमेंट है वो ये है कि चूंकि डेमोक्रेसीज लिबरलिज्म में बिलीव करती है, और लिबरलिज्म बिलीव करता है फ्री ट्रेड में, तो फ्री ट्रेड के जरिए आपस में कंट्रीज जो है वो इकोनॉमिक कॉपरेशन करेंगे, जिसके जरिए ये जो कंट्रीज है आपस में इंटरडिपेंडेंट बन जाती है। और इस इंटरडिपेंडेंस की वजह से एक पैसिफिक यूनियन बन जाएगा, जिसे कैंट स्पिरिट ऑफ कॉमर्स कहता है, कि कॉमर्स के जरिए जो म्यूचुअल और गेन है कंट्रीज का, जो कंट्रीज आपस में इकोनॉमिक एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो जाती है, तो इसकी वजह से कंट्रीज जो है दे विल नॉट फाइट विथ
each other. Hence, इन तीन arguments की बुनियाद पे जो Michael Doyle है वो ये कहता है कि democracies will promote peace as against non-democracy. So this was his theory of democracy. इसी इनको इसी को हम ये भी कहते हैं democratic peace theory. Where Doyle believes that if we have a democratic world order, there are less chances of having conflict in the world as against non-democratic world order. Thank you.